T10 लीग इस वक्त अरूज पर है और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। हमारे साथ इस वक्त सलमान इकबाल मौजूद हैं जो कि इस T10 लीग कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ है और ARY के ऑनर भी हैं। उनसे पूछते हैं कि T10 लीग जिस जोश व जज्बे का इंतज़ार था वो शुरू हो चुका, क्या जोश व जज्बा देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। देखें ना, आपके सामने ही है T10 की पहली हैट्रिक शाहिद आफरीदी के नाम, और जितना जोश हम एक्सपेक्ट करें थे अल्लाह ने उससे ज़्यादा इसको कामयाब किया है। और देखिए माशाल्लाह क्राउड, आज जुमेरात के दिन वर्किंग डे और क्राउड फुल आया है, तो जुम्मे को तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा सलमान इकबाल साहब, ये एक बड़ा पहला एक्सपीरियंस है और पूरी दुनिया इस वक्त इस लीग की तरफ देख रही है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको कि ये लीग कामयाब होगी? माशाल्लाह बड़ा पहला तो बड़ा ज़बरदस्त ये मैचेस हो रहे हैं, छक्के चौके लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कामयाब होगी इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह लीग कामयाब हो गई। लीग की जो पहली बॉल होती है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पहली बॉल पड़ गई लीग शुरू हो गई। आज दूसरा मैच खत्म होने वाला है इंशाल्लाह, कल चार मैच होंगे हमारे। आप ये सोचे ना कि दुनिया के 70 बेहतरीन इंटरनेशनल प्लेयर्स T10 के फॉर्मेट खेल रहे हैं। जो फॉर्मेट लोग सोच रहे थे जो गली क्रिकेट गलियों में खेलते थे, आज वो इंटरनेशनल स्टेडियम में 20,000 लोगों के सामने दिख रहे हैं और दुनिया भर दिख रही है उसको। अच्छा, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हमने देखे आज यहाँ पे मौजूद हैं, इससे कबल हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी मैच में या किसी लीग में इतने ज़्यादा स्टार्स मौजूद हों, तो क्या कोई प्लानिंग थी इस बारे में? ये हमने कहा हुआ था कि T10 कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अच्छी क्रिकेट होगी और इंटरटेनमेंट होगा। तो इंटरटेनमेंट में जितनी भी सेलिब्रिटी ना इंडिया की हैं, पाकिस्तान की हैं, श्रीलंका की है, बांग्लादेश की, हर टीम अपनी सेलिब्रिटी लाए हैं और माशाल्लाह देखिए रौनक लगी हुई है। अच्छा सलमान इकबाल साहब, आज क्योंकि पहला दिन था और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, तो आगे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस लीग के हवाले से, किस तरह पार्टिसिपेट करें और इस लीग को ज़्यादा? मैसेज ये कहूँगा कि सपोर्ट करें, क्रिकेट को सपोर्ट करें। क्रिकेट हमारे मुल्क के लिए, हमारे साउथ एशिया के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्पोर्ट है, तो आए लीग को सपोर्ट करें, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, अपने पसंदीदा प्लेयर को सपोर्ट करें और जो है ना इस लीग को आगे बढ़ाएं। और इंशाल्लाह हम ये वादा करते हैं कि ये लीग सिर्फ शारजा में नहीं होगी, दुनिया के और बहुत मुल्कों में कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सलमान इकबाल साहब, पाकिस्तान में क्रिकेट अब बहाल हो रही है और उस हवाले से आगे आपके फ्यूचर प्लान क्या है कि यहाँ से, क्योंकि आप अबू धाबी में हो रही है तो आगे क्या इस हवाले से क्या हो सकता है? देखिए 3 मैच तो हो गए पाकिस्तान में, 2 अपना वर्ल्ड 11 में आ गए पाकिस्तान में, श्रीलंका में भी आ गए पाकिस्तान में। अब इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं PSL के सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फाइनल हो जाए अपना पाकिस्तान में इंशाल्लाह, 2 लाहौर में, कराची में। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल पाकिस्तान में अब क्रिकेट वापस आ रही है। अब देखो PSL की वजह से कितने ज़्यादा हमारे टैलेंट और हमारे स्पोर्ट्स स्टार निकल रहे हैं, हमें चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी उन्होंने। बहुत शुक्रिया सलमान इकबाल साहब, आपने सलमान इकबाल साहब की बातचीत सुनी, इनका यही कहना है कि T10 लीग जो जुनून था वो कामयाब हो चुका है और आज जिस तरह लोगों की शिरकत है इसमें उससे ये लग रहा है कि ये लीग अब कामयाब हो चुकी है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तानी मारूफ स्टार्स अरीम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कहना चाहेंगी आप T10 लीग के हवाले से? आई थिंक इट्स अमेजिंग, द एनर्जी इज अमेजिंग, एज यू कैन सी आई थिंक द पख्तूनस आर विनिंग राइट नाउ और पीपल आर लविंग दैट, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू थैंक फॉर दैट, आई थिंक सलमान इकबाल एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु सपोर्टेड हिम इन दैट, आई थिंक इट्स अमेजिंग और होना चाहिए इस तरह का। अच्छा आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे, क्राउड इतना ज़्यादा और यहाँ की कैसा लगा? इट वॉज अमेजिंग, वी डिड द ओपनिंग परफॉर्मेंस, इट वॉज अमेजिंग। पर्ची का गाना बिलो हाई, आई डिडंट नो वाज सच अ क्रेज इन दुबई, एंड इट्स ओवरवेलमिंग एंड वी ग्रेटफुल टू आवर फैंस आउट देयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इनका यही कहना था कि यहाँ पे जो क्राउड है वो अमेजिंग है और ये T10 लीग में जो जोश और जज्बा है वो यादगार रहेगा। क्या कहना चाहेंगे शादाब, कैसा लगा आपको यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शादाब फरीदी, थैंक यू सो मच, और आप देख रहे हैं सेल्फी न्यूज़। क्या बात है, सेल्फी न्यूज़, पूरा UAE, पूरा इंडिया, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा UAE देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और आज यहाँ पर शारजा स्टेडियम में एक बहुत ही कमाल का एटमॉस्फेयर है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और मुबारकबाद सभी को, जितने भी UAE के रहने वाले हैं, मेरी तरफ से सभी को मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ आसमां चीरे अब साथ समंदर पीरे, चल साथ सुरों में कर दे ये ऐलान, थैंक यू सो मच, अल्लाह आप बहुत शुक्रिया। और आपने इनकी बातचीत सुनी और इनका कहना है कि जो क्राउड है वो बड़ा अमेजिंग।
सेल्फी न्यूज़, अपना मसला